हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी ब्रेन में। तो आज का हमारा गुजरात टूर का दिन है 7th और आज की डेट है 18th ऑफ दिसंबर 2023। तो आज इस वीडियो में हमने कवर किया है द्वारका से ओखा, देन ओखा से द्वारकापेट जाने वाले थे बट फेरी जो है वो बंद थी क्लाइमेट के कारण, क्लाइमेट थोड़ा ख़राब था। फिर ओखा से ही हम गोपी तालाब गए, फिर गोपी तालाब में घूमने के बाद में हम वहाँ से गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ की हमारा बहुत ही आराम से दर्शन हो गए सब कुछ। फिर वहाँ से हम लोग आनंद के लिए निकल गए क्योंकि दूसरे दिन फिर आनंद से हमको स्टैचू ऑफ यूनिटी कवर करना है और डाकोर जी भी जाना है। तो चलिए, इस व्लॉग में आप हमारे साथ में रहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये जो गोमती होटल है द्वारका का, जहाँ हमने कल रात में स्टे किया, तो देखिए अभी हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ें, ये सब कुछ था ब्रेकफास्ट में, और इसको आप ब्रेकफास्ट नहीं खाना भी बोल सकते हैं क्योंकि पेट भर के ही मिला। और चाय, कॉफ़ी, जिसको जूस चाहिए जूस, हर एक चीज़ आप अवेलेबल थी। तो सच में पूरे पैसे वसूल वाला होटल है, तो कभी द्वारका में आते तो होटल गोमती में आप ज़रूर स्टे कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ से बेट द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। वैसे सामान वगैरह हमने गाड़ी में पहुँचा दिए, अभी बस हमको यहाँ से नीचे जाके पार्किंग से गाड़ी निकाल के यहाँ से निकलना है। तो चलिए। और हाँ, ये है होटल गोमती एंड रेस्टोरेंट का जो विजिटिंग कार्ड, तो देख लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है। अगर आप लोग कभी द्वारका आते तो ज़रूर होटल में रुके, बहुत ही अच्छा होटल था। यहाँ पर सब साइट सीन नियर बाय प्लेस सब कुछ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं, तो ये अभी सामने एक गेट आएगा, वहाँ से हम निकलने को है। द्वारका से तो निकल चुके हैं, देखिए मंदिर का जो फ्लैग है वो यहाँ से दिख रहा है। तो जो मैंने कल बताया था, गोमती नदी के पास में जो संगम होता है, वो मम्मी पापा लोग और जो सुमित और सुरभि, ये लोग मामा मामी लोग, ये लोग गए थे सुबह देखने। तो सच में वहाँ पर समुंदर और गोमती नदी का जो है ना मिलाप होता है, वहाँ पर बहुत मीस ऊपर तक पानी आ जाता है, वहाँ बोटिंग वगैरह सब होता है सुबह के टाइम में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, हम लोग तो नहीं जा पाए क्योंकि रात में थोड़ा सोने में लेट हो गया था, तो और अभी गाड़ी भी चलाना है दिन भर, इसलिए मैं लेट उठा। द्वारका से ओखा का जो डिस्टेंस है वो है 31 किलोमीटर्स। तो जैसे ही हम ओखा के पास पहुंचते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे नाव वगैरह रखी हुई दिखती है। यहाँ पे समुंदर किनारा है उस साइड में, रास्ते के बाजू बाजू से, पर रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। पहला गुजरात का रास्ता ऐसा है जो हमको ख़राब मिला। और ये गुजरात में जो रिक्शा है ना, ये देखिए थोड़े अलग टाइप के रहते हैं, बुलेट जैसा रहता है कुछ बाइक, बहुत पुराना है वो, कोई जावा वगैरह की बाइक है, उस पर बनाया हुआ है वो, और थोड़ा अलग है। और ये देखिए, ये तो रास्ता है ही नहीं बिल्कुल, मीन्स हम लोग जैसे गुजरात में एंटर किए, फिर वडोदरा से गुजरात में वडोदरा तक आया, वडोदरा से सोमनाथ, सोमनाथ से आगे, तो सारे ही रास्ते बढ़िया थे। वैसे पहला ऐसा रास्ता है जो द्वारका से ओखा की तरफ जाता है ना, वो पहला रास्ता ऐसा ख़राब मिला आपको। तो लो जी, हम लोग पहुँच गए हैं अभी ओखा। अभी यहाँ ऑटो से आए हम, उधर पार्किंग में गाड़ी लगाए हैं और वहाँ से ऑटो से आए, क्योंकि बहुत धूल वाला रास्ता था और हवा इतनी तेज चल रही थी, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए वहाँ से यहाँ तक ऑटो से आए हम। यहाँ हवा चल रही है ना, बाहर देखिए, देखो इसने पूरी तैयारी कर ली है हमारे मैडम ने, लेकिन अभी ऐसे बोल रहे हो फेरी बंद है क्योंकि मौसम खराब है, हवा बहुत चल रही है, मौसम खराब है, इस वजह से अभी फेरी बंद है। पता नहीं हमारे नसीब में है कि नहीं द्वारका में, पिछली बार भी मम्मी लोग आए थे तो नहीं देखने मिला था बोलते, देखते हैं अभी चालू होता है कि नहीं। कितना? 200 पाव। 200 रुपए पाव, मतलब आई कैसे सोए आई बंद से बोलते ये जा रही, लेकिन बोलते भाई जो गए हो गए का, अभी जो नए हैं उधर से उनको जानकारी मिलेगी कि बंद आई है।
तो ये देखिए ये ब्रिज भी ऐसे बन रहा है, शायद आगे से ना फेरी से जाने की जरूरत भी ना पड़े, डायरेक्ट गाड़ी भी से भी अपन कार से वगैरह जा सकते हैं। शायद अभी तक चालू नहीं था ये, कंस्ट्रक्शन थोड़ा थोड़ा बाकी था इसका, बट ऐसे चालू हो जाएगा तो फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सॉरी आपको ये जो नॉइज आ रही होगी, ये मोबाइल के से नहीं, मोबाइल का तो बहुत ही बढ़िया माइक दिया हुआ है, पर ये जो मैंने एक्सटर्नल माइक खरीदा हुआ है ना, उसकी वजह से शायद नॉइज ज़्यादा आ रही होगी। तो ये जो ब्रिज देख रहे हैं ना आप, ये शायद बाय रोड भी हम बेट द्वारका जा पाएंगे कभी। अभी इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है बहुत सारा, तो शायद ये चालू होगा, अभी तो चालू नहीं है, तो बाय कार भी हम जा पाएंगे। ओ यार ये देखिए लकी लोग हैं जो सुबह आए होंगे शायद, तो इनकी फेरी हो चुकी है, सभी ये रिटर्न आ गए हैं। हम लोग तो पता नहीं अभी दो दिन तक बंद रहने वाला ऐसे बोल रहे हैं, तो शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे बेट द्वारका का दर्शन। बाकी ठीक है, यही पे हमने बहुत एंजॉय कर लिया। अभी थोड़ी देर में चलेंगे यहाँ से। तो ऐसा कहते हैं कि बेट द्वारका में कृष्ण भगवान का घर था और द्वारका में उनका ऑफिस था जहाँ पे उनकी सभा होती थी ऐसे। तो देखिए ये उस पर मैं अभी झूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये है बेट द्वारका, पर हम लोग नहीं जा पाएंगे, वेरी सैड। अरे यार कैसे यार, लेकिन मैं तो काम कर रहा हूँ भाई, मैं काम कर रहा हूँ। चलो चलो एक तो हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, अभी दो दिन तक फेरी बंद है तो बोल रहे, तो चलते भी आ सकते। अरे ज्योति ना बहुत शानी है, वहाँ मैं शूट कर रहा था और कहाँ भाग गई पता नहीं, सब लोग किधर इधर साइड आ गए, मैं घबरा गया था, कहाँ गई मैं ढूंढ ही रहा उसको 10-15 मिनट से। फिर अच्छा मैंने सुमित को कॉल किया तो उसने बताया कि इधर आई है, मीन्स वो बाकी लोगों के साथ में पहुँच गई थी और मैं इधर उसको ढूंढ रहा हूँ, बहुत ही है। और मैं फ़ोन कर रहा था तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। तो वैसे अगर फेरी से जाते तो ओखा से बेट द्वारका 4.8 किलोमीटर। दिस इज पार्किंग फॉर द्वारका। तो ओखा से गोपी तालाब है 19 किलोमीटर। ये है गोपी तालाब, गोपी तालाब किधर आ गए पार्किंग, यहाँ पे 20 रुपया देना पड़ता है पार्किंग का, वापस आके यूट्यूब पे डालूंगा, बोलता हूँ मेरे मामा है। तो यहाँ पे ना गोपी तालाब जाने से पहले आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे अलग अलग भगवान के मंदिर मिलेंगे, छोटे 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 छोटे, तो वहाँ से आप दर्शन करते करते जा सकते हैं। यहाँ पे भी काफी रश था वैसे। गोपी तालाब प्रवेश द्वार, द्वारका के सबसे बड़े गोपी तालाब श्री महाप्रभु की बैठक 61। अच्छा यहाँ बैठक होती थी, यहाँ पे बैठक होती रही होगी कृष्ण भगवान की।
क्या लिए क्या लिए? मछली के लिए? इसको दे गोलू को। गोलू 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 गोपियां नहाती थी नहीं? अरे नहाती थी ना यार, तो इसलिए तो गोपी। अरे इसलिए तो आई होंगी कभी। अरे यहाँ पे भी तो कोई रखते रहते रहे होंगे ना, तब यहाँ आए होंगे। ऐसे डालते हुए पहले वीडियो में है ना, बोरा डाल दो अपन खा सकते बोल रहे थे। तो हो गए हमारे भी दर्शन नहीं, इधर तालाब में गए थे। अच्छा है, ठीक है, देखने लायक। तो इधर कुछ है नहीं सुविधा यार, वॉशरूम वगैरह जाना था लेकिन कुछ सुविधा नहीं है इधर। देखो ऐसा एरिया है ये पूरा तालाब। हाँ तालाब में पता नहीं इधर सच बनाया हुआ है उन्होंने, वहाँ पे बच्चों के लिए आप तो खाना वाना लेके ला सकते हो। वहाँ पे गाय वगैरह है, उसका चारा वगैरह मिलता है, चारा खिला सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, छोटे मोटे मंदिर ठीक ठाक है। यहाँ से नागेश्वर उधर जाएंगे, चलिए गोपी तालाब से श्री नागेश्वर है 5 किलोमीटर, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता। तो हम पहुँच चुके हैं नागेश्वर। यहाँ पे तो मीन्स अच्छा है, खुला खुला है, बहुत ही खुले खुले एरिया में है। और ये देखिए श्री शंकर भगवान की जो मूर्ति है कितनी बड़ी है, वाओ देखिए इतने बढ़िया लग रहे हैं हमारे भोलेनाथ, कभी भव्य है एकदम। अरे देखिए यहाँ पे कौवे बैठे हुए हैं, कितने सारे, बहुत सारे कौवे बैठे हुए। यहाँ पे भीड़ नहीं होने का ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे शायद आने के लिए टैक्सी या फिर कार से वगैरह ही हम आ सकते हैं, बस वगैरह तो दिखे नहीं यहाँ पे, कोई साधन उतने अवेलेबल नहीं हो। और इस साइड जो ये दिख रहा है ना, फ्लैग दिख रहा है, ये मंदिर दिख रहा है, मेन मंदिर है या ज्योतिर्लिंग है। यहाँ चलाएँ, यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यार। और यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ दिख रही है। और एक चीज़ ये, यहाँ पे पहला ये टेम्पल ऐसा मिला हमको जहाँ पे मोबाइल वगैरह सब कुछ अलाउड है, फोटोग्राफी वगैरह सब निकाल सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का जो महत्व है यहाँ पे, हाँ उसके बारे में। तो यहाँ पे जगह जगह पे स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये है नाग नागिन का जोड़ा, ये है पूजा की थाली, ये चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसे वहाँ पे जो है लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लोग ऐसे ले रहे हैं थाली। कितने की होगी? 2100 की थाली है, 2100 की थाली है, 2100। तो चलिए फाइनली द्वादश ज्योतिर्लिंग दरोगावन श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन में आपको करा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैमरा राव है तो आप शांति से दर्शन कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हो गए यहाँ। तो यहाँ पे एक अखंड धुनी चलती है मंदिर के बाहर, जो जिसका भस्म लगाने से मन शांत रहता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और महिला पुरुष दोनों यहाँ पे जा सकते हैं।
बड़ी जगह, ये देखने लायक है। शक्तिपीठ पावागढ़ अम्बाजी द्वारका देश नागेश्वर सोमनाथ, जा जाके बैठ। वाह बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये पार्किंग, अभी हम जाएंगे डाकोर जी, आज डाकोर जी पहुंचेंगे, वहां रुकेंगे और फिर वहां से जाएंगे, वहां से जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो फ्रेंड्स अभी हमारा प्लान चेंज हो गया है, हम नागेश्वर से सीधा आनंद जाएंगे जो कि 468 किलोमीटर है और 8 से 9 घंटे बता रहा है ये, 10 घंटे लगेंगे खाना वाना पकड़ के, और अभी यही भी हमको एक बज चुका है। तो चलिए चलते देखते कितने बजते अभी आनंद जा रहे थे। जावा का सिंबल दिख रहे हो, तो यहाँ पे अभी हमने CNG भरने रुके थे मामा की गाड़ी में, देखिए ये आके रिक्शा बढ़िया है एकदम। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, देखते हैं अभी रास्ते में कहीं पे लंच वगैरह करेंगे देन आगे चलेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हैं क्योंकि बहुत देर से हम आ रहे थे, तो एक भी ढंग का होटल हमको ये रोड पे मिल नहीं रहा था। तो जामनगर और राजकोट हाईवे है ये, इधर से जामनगर आएगा फिर राजकोट, तो वो हाईवे पे एक भी ढंग का होटल नहीं मिल रहा था। तो फिर 5 मिनट पहले एक टपरी मिली, वहाँ पे मैंने 2 पफ और एक चाय पिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और चाय पीने की इच्छा हो रही थी। तो बाकी लोगों ने कुछ नहीं खाया, बट बाकी लोगों का अच्छा रहा लग क्योंकि उसके जस्ट 5 मिनट बाद ही अच्छा होटल मिला एक। तो मेरा तो पेट भरा है तो मैं तो नहीं खाऊंगा, तो ये लोग खा रहे अभी अंदर खाना, तो उनका खाना होने के बाद फिर हम निकलते जल्दी से क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है और अभी हमको लंबा जाना है। तो जामनगर और राजकोट होते हुए हम लोग आनंद जाएंगे अभी, थोड़ा लंबा सफर है, टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, रात में 12-1 बजेंगे क्योंकि डिनर वगैरह भी करना है रात में फिर। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ से रैप अप करके निकलते हैं, तो आप बने रहिए सफर में हमारे साथ में। तो ये है होटल मुरलीधर, यहाँ पे हम रुके थे, और ये देखिए इधर से आएंगे और इस साइड हम जाएंगे, मीन्स लेफ्ट साइड में पड़ता है जामनगर चढ़ते जाते, तो अच्छा होटल है। तो अभी शाम के 6:30 बजे है, हम लोग यहाँ पे चाय पीने रुके हैं, अभी वो दूसरी गाड़ी आने की है मामा लोगों की, हम लोग आगे थे तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चला लिया, तो हम लोग पहुँच गए थे, अभी वो लोग पीछे से आ रहे हैं, तो हम लोग अभी यहाँ चाय पियेंगे फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी 6:30 बज रहे, चाय बहुत ही मीठी थी लेकिन यहाँ की, राजकोट में बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीते ऐसे बोलते हैं, हम लोग उनको बोले कम शक्कर ही बनाओ फिर भी उसने मीठी बनाया, तो बोल रहे थे कि यहाँ पे ऐसी चाय पीते हैं एकदम बहुत ज़्यादा मीठी, शुगर वाले तो पी ही नहीं सकते। तो अभी यहाँ पे हम डिनर करने रुके हैं, ये यहाँ पे भी हमने कटियावाड़ी थाली ऑर्डर की है, हमारा पूरा गुजरात टूर यही वाले थाली पे निकला है। ये लिमडी के गाँव है, वहाँ पे गैलॉप्स रेस्टोरेंट है जहाँ हम खाना खाते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ खाना खाया गैलॉप्स रेस्टोरेंट, देखो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे फूड प्लाजा भी है, टी पोस्ट भी, यहाँ पे भी मैंने कॉफ़ी पिया खाने के बाद क्योंकि और 2 घंटे का रन है हमारा, शायद 170 किलोमीटर से यहाँ से। हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। यहाँ देखिए ये सब है, लेडीज जेंट्स टॉयलेट ब्लॉक, चेंजिंग रूम, फिटिंग रूम, सब कुछ है, जैसी दुकान। अभी हम मेरे को लेट हो रहा है थोड़ा इसलिए, अब निकलेंगे 2 घंटे का और रन है, 12:30 बजेंगे हमको जाने के लिए। चलिए ये कौन सी जगह है, लिमड़ी वॉशरूम, वहाँ पे हैंडीकैप लोगों के लिए भी है वॉशरूम, फीडिंग रूम, हाँ सब कुछ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे खाना खाया हमने गैलॉप्स रेस्टोरेंट, ये टेबल पे बैठे थे हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे ये टेबल पे बैठे थे हम लोग, ये फूड प्लाजा है, यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के हैं सब, वड़ा पाव वगैरह सब अलग अलग टाइप का मिलता है यहाँ पे। और ये है टी पोस्ट, यहाँ पे हमने चाय पी, चॉकलेट आउटलेट, चॉकलेट वगैरह खाते थे बच्चे, और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स के लिए है बहुत सारी चीज़ें, और इधर एक टॉयलेट बाथरूम जो काफ़ी क्लीन है, एंड दिस इज पार्किंग, पार्किंग तो बहुत बड़ी है, एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है इसका, ये जोकर जैसी। मैं देखो मैं ऐसे रहना चाहिए, देखो बिल्कुल भी कुछ नहीं, हमको नहीं रखती, यस हम गर्म आदमी हैं।
ये क्या ठंडी लोग इनको ठंडी एकदम, मेरे को तो यहाँ पे गुजरात में तब से ठंडी नहीं लग रही, आज थोड़ी सी लग रही है फिर भी। चांद कितना बड़े लग रहा है फोटो लूँ खाते कैमरे में, कैसे वीडियो में उतना जूम नहीं दिया है ना। वो तो अभी खाते पीते घर घर की वो यही रहती है ना पहचान। ये यहाँ पे बॉडी लग दिखेगा आपको, राजकोट से इधर आ गया होंगे आप, लिमड़ी कहके हैं वहाँ पे, ये हाईवे पे आएगा। अच्छा है, देखो कभी ये रास्ते पे आओ तो ट्राई करो, और बिल भी ज़्यादा नहीं, 2140 रुपये बिल हो। हाँ कॉफ़ी बहुत महंगी थी, 80 रुपये कॉफ़ी थी, लेकिन बकवास थी, कुछ था नहीं उसमें, लेकिन अभी मुझे 2 घंटे ड्राइव करना है, इस वजह से मैंने पिया। यहाँ क्यों दिख रहा है? अच्छा EV चार्ज स्टेशन भी है यहाँ पे, बहुत कुछ है, लेकिन कार का भी कुछ दिख रहा है, कार कार एक्सीडेंट वगैरह हुआ कुछ। चलिए अभी चलते हैं, ओके बाय बाय, मिलते हैं। एक मिनट, वाओ सिर्फ 900 रुपये में है रूम, देखिए आनंद आनंद ही आनंद है आनंद में, 900 रुपये में क्या पॉश रूम मिला है देखो। और द्वारका में मिला था हमको 3,500 रुपये 900 में रूम। लॉबी 4th फ्लोर पे, बाकी का मैं आगे से कल दिखाऊंगा, अभी हम सो रहे हैं। अभी रात के 1 बज रहे हैं, अब सुबह 6 बजे उठना है, 5 घंटे से सोना है हमको, तो कल मिलते हैं, कल मैं बताऊंगा होटल वगैरह आपको, 7 बजे निकलेंगे हम। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।